पहला दिन था, कल हम लोगों ने सामान्य चर्चाएं कुछ की थी। हम लोगों ने कल चर्चा की शुरुआत करने से पहले इन मुद्दों पर ध्यान दिया था कि हम लोग इस पूरे 4 महीने के दौरान अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे, उस संदर्भ में कुछ अभ्यास भी करेंगे, कुछ चर्चाएं करेंगे। चर्चाओं को देखेंगे तो पीपीटी के माध्यम से, प्रस्ताव के माध्यम से करेंगे, संवाद के माध्यम से करेंगे, और जहां जहां आवश्यक है कुछ अभ्यासों को भी करेंगे। अभ्यास हम लोग 1 घंटे के दौरान भी कुछ करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट, जस्ट कि आपको आइडिया लगे कि कैसे उस अभ्यास को करना है। फिर आपसे अपेक्षा होगी कि दिन में कभी 1 घंटा आधा घंटा निकाल कर उस अभ्यास को रिपीट कर लें, और अगर और अधिक समय कर सके तो अच्छा है। आपसे अपेक्षा ये है कि आप सभी लोग, चूंकि ये 4 महीने के सत्र में देखेंगे तो हर पिछला दिन अगले दिन के लिए फाउंडेशनल है, तो इस तरह से पूरे 4 महीने आपस में जुड़े हुए हैं, हर दिन जुड़ा हुआ है। तो एक ही अपेक्षा है कि हम सभी लोग रेगुलरली इस सत्र को कर सके तो एक ढंग का निष्कर्ष निकलेगा। दूसरा ये है कि जो भी प्रस्ताव रखे जाएंगे स्क्रीन पर, उसमें जो भी चर्चा हो रही है उसमें सक्रिय भागीदारी कर सके, और जो भी अभ्यास कहे जा रहे हैं सत्र के दौरान करने को या दिन में कभी करने को उसको कर सके। साथ ही साथ एक ये भी अपेक्षा है कि आप एक नोटबुक बना लें और जो भी अभ्यास कर रहे हैं उनके निष्कर्षों को उसमें लिखते चलें, जो प्रश्न बन रहे हैं उनको भी लिखते चलें, जो प्रस्ताव चर्चा हो रहा है उसमें जो मुख्य बातें लग रही हैं उनको भी लिखते चलें, और जब भी आपको समय मिले ऑनलाइन मुद्दों को शेयर करने का, चर्चा करने का, तो आप इस मॉर्निंग सत्र पर में उस पर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ये असाइनमेंट्स आपके ग्रुप पर भेजे जाएंगे उन असाइनमेंट्स को भी उस नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं, जो बाद में आपके लिए एक तरह से कभी जरूरत पड़ेगी तो आप उस नोटबुक के माध्यम से इस पूरे 4 महीने के सत्र को रिकैप भी कर पाएंगे जब जब जरूरत लगेगी, तो उस संदर्भ में भी आपके नोटबुक उपयोगी रहेंगे। इतनी सामान्य सूचनाओं के साथ कल हम लोगों ने इस बैच की शुरुआत किया था, चर्चा शुरू किया था, और चर्चा की शुरुआत तो इन दो मुद्दों से शुरू, इस एक मुद्दे से शुरू हुई थी कि हम देखें, अपने में ऑब्जर्व करें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में, चाहे पढ़ाई के दौरान, या घर पे, या समाज में, जो कुछ भी कर रहे हैं उससे हम अंतत्वगत्वा क्या सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो ये ध्यान में कल आया था कि हम चाहे नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कुछ और अभ्यास कर रहे हैं, अंतत्वगत्वा तो हम सब अपने में सुखी होना चाहते हैं। सुखी होने का लक्ष्य है हमारा, उसके लिए बहुत सारे और स्टेप्स डिजाइन किए हमने। तो एक बात तो जांचने के लिए कल ये हमने रखा था कि हम इसको भी जांच कर देख लें कि वास्तव में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सुखी होने के लिए ही कर रहे हैं या हमारा कोई और लक्ष्य भी है। साथ ही साथ कल इससे जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न भी रखा था हमने आप सब लोगों के जांच के लिए कि ये जो हम सुखी होना चाहते हैं, कभी कभी सुखी होना चाहते हैं या निरंतरता में सुखी होना चाहते हैं, ये एक दूसरा प्रश्न रखा था। इस दूसरे प्रश्न को फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हम जो सुखी होना चाहते हैं, जो हमारा सुखी होने का लक्ष्य है, उसको और विश्लेषित करके और अपने में ऑब्जर्व करके देखें कि हम कभी कभी सुखी होना चाहते हैं या निरंतर सुखी होना चाहते हैं। इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाए थे कल हम लोग और इस पर चर्चा किए थे कि हम सुखी होना तो चाहते हैं, चाहे कभी कभी, चाहे चाहे निरंतर, जो भी आपका निष्कर्ष हो। अब अगला मुद्दा यह है कि हम जो ये सुखी होना चाह रहे हैं, सुखी होने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, सुख क्या है और किन सोर्सेस से सुख सुनिश्चित होगा, उसको समझकर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर सुख क्या है और किन सोर्सेस से सुख सुनिश्चित हो सकता है उसको समझे बिना ही प्रयास कर रहे हैं। तो कल हमने एक ये चौथा प्रश्न, एक ये तीसरा प्रश्न रखा था कि सुख क्या है
किन सोर्सेस से सुनिश्चित हो सकता है, उसको हम समझकर प्रयास कर रहे हैं कि बिना इसको समझे ही सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी उसको अपने भीतर रिफ्लेक्ट करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, जांच सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर एक चौथा प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ हमने रखा था कल, कि हम कुछ करके सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं या सुखी होकर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बाहर कुछ खा करके, कुछ देख करके, बाहर कुछ उपलब्धि हासिल करके उससे सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, या खुद में जो हमने सही समझा है उसके आधार पर अपना भाव सही सुनिश्चित करके सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने खुद में जो सही समझा है उसके आधार पर अपना भाव सही सुनिश्चित कर लिया है, उसके आधार पर मैं सुखी हूँ, और अब सुखी होते हुए बाहर कुछ भागीदारी कर रहा हूँ, शरीर के पोषण संरक्षण के अर्थ में, संबंध के निर्वहन के अर्थ में, समाज में व्यवस्था के अर्थ में, प्रकृति में अन्य कार्यों में भागीदारी के अर्थ में। लेकिन मेरा सुख मेरे समझ के आधार पर मैंने अपने स्वभाव को, जो सही सहज स्वीकार भाव है, उसको सुनिश्चित करके अपने सुख को सुनिश्चित कर लिया है, और अब उस सुख सुखी रहते हुए बाहर भागीदारी करना। तो इन दोनों में ही कौन सा आपका डिजायरेबल स्टेट है और क्या हम कर रहे हैं, उसको भी कल ऑब्जर्व करने की बात हुई थी, कि हम कुछ करके सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं या हमने सही समझ के अपने सही भाव को सुनिश्चित करके सुख को सुनिश्चित करने का काम करके कर लिया है, और सुखी होकर बाहर भागीदारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो क्या स्टेट है, उसको भी ऑब्जर्व करने की कल बात हुई थी। इसी सारी बातों को, जितने भी ये चार प्रश्न मैंने आपके सामने रखे, अगर उन चारों मुद्दों को एक साथ जोड़ कर रखो तो मैं इस ढंग से इस प्रश्न को रखूंगा कि सुख मेरा स्वभाव है या प्रभाव है। प्रभाव है अर्थात मैं बाहर कुछ करूंगा उससे मुझे कुछ मिलेगा, संवेदना के फॉर्म में या या फिर भाव के रूप में, उससे मैं सुखी हो जाऊंगा। ये प्रभाव के रूप में सुख को देखना है, प्रभाव से सुख को सुनिश्चित करना है। स्वभाव का आशय है कि जो मेरे को सहज स्वीकार्य भाव है उसको मैंने अपने में समझ लिया है, समझ कर उसको अपने में सुनिश्चित कर लिया है, अब वही मेरे सुख का स्रोत है, मुझे मेरे सुख के स्रोत के रूप में वही दिखाई देता है, और उसको मैंने समझ कर अपने में सुनिश्चित कर लिया है या सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत। तो वो एक अलग प्रयास है कि अपने में सही को समझ कर, जो सही भाव है उसको समझ कर उसको अपने में सुनिश्चित कर रहा हूँ, वही मेरे लिए सुख का स्रोत है। तो मेरे में जो सहज स्वीकार भाव है, मेरे जो स्वभाव है, वही मेरे लिए सुख का स्रोत है। तो दोनों में से कौन सा आपको ठीक लगता है और किसके लिए आप प्रयासरत हैं, इन सभी मुद्दों पर कल डिटेल चर्चा हुई थी। मैं 8th बैच से जुड़ा हूँ। 8th बैच में मुझे उतनी क्लैरिटी नहीं आई थी, लेकिन 9th बैच में फिर मैंने रिपीट चालू किया, उसमें भी उतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं आया था। मैं कुमार भैया से भी काफी जुड़ा, और अभी डेली का अभी ऐसा हो गया है कि मेरा निरंतर ही इसको और समझने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। भैया कल मुझे जो सबसे अच्छा मैंने कल जो असाइनमेंट था उसी को भी अच्छी तरह से किया। सुबह इंग्लिश के सेशन में भी कुमार भैया के सामने भी रखा, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी बात जो कल इतने दिनों के बाद समझ में आई कि हम मानो सामाजिक प्राणी होने की वजह से प्रभाव के अंदर ही ज्यादातर सुख ढूंढते हैं, और हमें प्राकृतिक स्वभाव प्राकृतिक प्राणी की तरह स्वभाव में आना है। तो यही डिफरेंशिएशन मुझे इसमें मिला भैया, और ये बहुत अच्छा लगा कि नहीं, हमें ये जो बाहर की चीजें हैं तो उनको कम असर करना ही होगा, तो ही हम सुख का स्रोत
स्वभाव के अंदर ढूंढ सकते हैं। यही कल का मेरा ऑब्जर्वेशन था, और कल मैंने ये जो क्वेश्चंस थे उसी को भी मैंने एक अच्छी तरह से जांचना लिखना। मैं पहले जर्नल नहीं लिखता था, लेकिन अभी डेली जर्नल भी लिख रहा हूँ। उसका मैंने हमारे उमेश भैया को भी मैंने कल वो जर्नल का नोट्स भेज दिया। जी भैया, मैं अभी डेली जितना ज्यादा होता है वो प्रयास करूंगा, और स्टेप वाइज अभी जा रहा हूँ। ये क्योंकि हम लोग टीचर है, तो हमें ये बच्चों के सामने भी रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है, भागीदारी भी है। क्योंकि मुझे अगर 8 बैच से ये सीखने को, 8 बैच से लेके अभी तक इतना प्रयास कर रहा है, तो बच्चों के लिए भी हमें ये रखने के लिए ये प्रयास करना ही होगा। क्योंकि ये एक दिन में तो समझने वाली बात ही नहीं, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरा, हमारे ऊपर काम होने के बाद जब कोई हमें ऑब्जर्व करेगा, करता ही है, मुझे तो हमारे कॉलेज में वही बोलते ये UHV मैन बन गया, तो हमारे तरफ भी सब लोगों का ध्यान रहता है, और हम भी वो कमेंट भी करते कि ध्यान देने वाली बात रहती है। तो भैया मैं प्रयास कर रहा हूँ, और भैया बहुत ही अच्छा लगता है कुमार भैया से, आपसे डिस्कस करने के बाद। तो जी भैया, मुझे यही मेरे शेयरिंग है, और मैं एक्सरसाइज डेली अभी करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट भी है। जी भैया, जी राजू, बहुत बढ़िया। मैं बस आपकी बात में एक स्टेप और आगे ऐड कर दूंगा। ये जी जो भैया, बात प्राकृतिक प्राणी और सामाजिक प्राणी का जो मुद्दा है उसको हाँ अगर देखने जा रहे हैं, तो मैं भी प्राकृतिक इकाई हूँ, आप भी प्राकृतिक इकाई हैं, हर मानव प्राकृतिक इकाई है, और जी पेड़ भैया, पौधे पशु पक्षी ये सब प्राकृतिक, और जो मेरा स्वभाव है, हम कोई सामाजिक नियम बनाते हैं, सामाजिक रचना बनाते हैं। जी ये जो भैया, है मानव का प्राकृतिक स्वभाव है, जो सहज स्वीकृत स्वभाव है, जी भैया, उसको समझकर उसके अनुरूप नियम व्यवस्था बनाते हैं, तो वैसा चल के जी भैया, व्यक्ति है ना, व्यक्ति सभी के सुखी होने का निकलता है रास्ता। तो जी उसमें भैया, देखेंगे तो उस प्रक्रिया में प्राकृतिक सामाजिक बहुत अलग अलग नहीं होता, लेकिन जी जब भैया, हम अपने सहज स्वीकृत भाव को है ना समझे बगैर, जो प्राकृतिक सहज स्वीकृत भाव है हमारा, उसको समझे बगैर, उसको महत्व दिए बगैर समाज में कुछ नियम व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हैं, जी उससे भैया, न्याय सुनिश्चित ही हो ये जरूरी नहीं है, उससे जी लोगों में भैया, सुख सुनिश्चित ही हो, लोगों के सुख के लिए वो सहयोगी ही हो ये जरूरी नहीं है। तो ऐसे में कई बार है ना, जो हम सामाजिक व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं उससे अव्यवस्था उत्पन्न होती है, क्योंकि उसका स्रोत ही प्राकृतिक नहीं है, उसका आधार ही प्राकृतिक नहीं है। जी उस भैया, कारण समाज में बहुत सारा हलचल मचने लगता है। वहां पर फिर जब ये बात करते हैं तो ये प्राकृतिक और सामाजिक दो पोल की जगह खड़े दिखाई देते हैं, कि कुछ हमने ऐसे सामाजिक जी ढांचा भैया, बना रहे हैं आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सहज स्वीकार नहीं है। जी भैया, अन्यथा देखेंगे अगर अपने में सहज उसको बेस बनाकर अगर सामाजिक नियम बना रहे हैं, तो ये सामाजिक और प्राकृतिक फिर बहुत अलग अलग नहीं है, क्योंकि समाज के सभी मानव वास्तव में प्रकृति के ही हिस्से हैं। बराबर है जी भैया, यस जी जी भैया, मेरा तो क्या, आपके जो भी एक्सपीरियंस होंगे आप नोट कर ही रहे हैं, हम लोग समय जी समय भैया, पर जरूर सुनेंगे, और आप पिछले कई बैच से इस यात्रा को जारी किए हुए हैं, तो जी भैया, आपके और गहरे निष्कर्ष होंगे, गहरे आपके ऑब्जर्वेशंस होंगे, तो हम जी लोग भैया, जरूर समय समय पर उसको सुनेंगे, जिससे कि बाकी हमारे सभी साथी लोग जो और नए जुड़े हैं, मैं उन सब वो सब भी समय समय पर लाभान्वित होते रहे। जी आगे भैया, आपके बारे में सुनील आगल भी वैसे सुना था, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि आपका कोई सत्र भीलवाड़ा भी या फिर कहीं उसको अटेंड करूं, पर वो पॉसिबल नहीं हुआ। और जब कल मैंने सुना कि आप इस सेशन को हिंदी में ले रहे थे, तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ। पर कल वो मे डे की व्यस्तता के कारण मैं आपके सत्रों को उतना अटेंड नहीं कर पाया था। और अभी जो 15 मिनट की आपकी जो शेयरिंग रही है, जो आपने बताया है, तो उससे और अच्छा लग रहा है भैया। बस मैं आपका मन से स्वागत करने के लिए मैं ये अपना हैंड रेस किया हूँ, और पूरा विश्वास है कि और जितनी भी मेरी अभी लर्निंग हुई है उसमें और अधिक वृद्धि आपके साथ में और ये 4 महीनों में होने वाली है। और जैसे कि अभी हमारे जितने भी प्रबोधक हैं
उनसे जो भी जानने को मिला है, समझने को मिला है, उसमें अधिक और जानने को आपसे मिलेगा। और हम सभी सर भैया, मैं आपका मतलब इस तरह से बोलिए, मैं स्वागत करता हूँ और आपका हार्दिक धन्यवाद भी देता हूँ। बस अभी कल से धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सप्रेशन हो गए, और निश्चित ही जो भी मुझे शेयरिंग करना होगा मैं निश्चित आपसे भी यहाँ पे शेयरिंग करूँगा, और अलग तरीके से भी शेयरिंग करूँगा कभी व्यक्तिगत बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका स्वागत है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस सत्र को यहाँ से शुरू किया। थैंक यू भैया। जी भैया, आप सभी लोग एक दूसरे का स्वागत करते हैं और अपेक्षा है आपसे कि एक नोटबुक इसका बना ही लिए होंगे या बना ही लेंगे आप, और जी भैया, मैं चर्चाएं हो रही हैं। जनरल मेरा शुरू रहता है, कभी कभी थोड़ा सा कठिन हो जाता है, पर मैं लिखता हूँ भैया। जी, और जो भी असाइनमेंट्स होंगे उसको करेंगे और जो भी अभ्यास होंगे उसको करेंगे या कर ही रहे होंगे, उनके एक्सपीरियंसेस को हम लोग समय समय पर आपसे जरूर सुनेंगे। जी जी भैया, तो भानु भैया, जैसे पिछली बार जनरल मैंने बनाया था और इस बार भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी डे मेरा मिस ना हो, जनरल बनाऊ पर कंटेंट मेरे को थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हुआ है, भाई समझ आया। तो ये विषय वस्तु से जहां तक मैं रूबरू हो पाई हूँ, तो इसमें सुख स्वभाव है, अगर मैं सही समझ के साथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बनाने की या फिर उनसे निर्वाह करने की कोशिश करती हूँ। तो पहले तो मैं अपने पे ही काम करा मैंने कि मेरे को मेरे स्वभाव में सुख आ जाए, कि वो सुख है क्या चीज। तो सुख को जब मैंने अनुभव करा उस सुख से और सही समझ के साथ सब सदस्यों के साथ संबंध बनाने का प्रयास करा, तो ऑब्वियसली वो हैप्पीनेस तो मिल ही पाई और उसमें काफी कंटिन्यूटी रही, क्योंकि मैं अपने में ही सुख को कंटिन्यू करने का प्रयास में थी, तो उसके साथ वो कंटिन्यूटी भी रही मेरे साथ। तो ये अनुभव बहुत अच्छा रहा। और मेरा प्रश्न यहाँ पर एक छोटा सा ये है कि जैसे हम सही समझ के साथ, ये डेफिनेट कंप्लीशन इन पॉइंट पर आके मैं अटक जाती हूँ कि ये क्या पॉइंट है, इसको हम कैसे समझे। और जब हम सही संबंधों को समझने जाते हैं तो बाहरी प्रभाव जैसे खाना और सुनना और रूप पर प्रभावित होना, ये चीजों को काफी मैं समझ पाई कि हाँ ये कुछ टेम्पररी सुख है, तो इन सुखों से हम वो जो फैक्टली जो हमें निरंतर सुख चाहिए उससे वो बाधे करते हैं। तो यहाँ पर भी मेरे को कुछ समझ बढ़ी, पर ये डेफिनेट जो कंप्लीशन पॉइंट है ये थोड़ा सा अगर क्लैरिटी हो जाए इसके ऊपर तो अच्छी बात है कि आप इन अभ्यासों को कर रहे हैं और स्वभाव प्रभाव दोनों भी किया है और ऑब्जर्वेशंस भी किए हैं, और एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आपने ध्यान दिलाया सभी का कि सुख के स्रोत के रूप में बाहर के बहुत सारे स्रोतों से सुखी होने का कार्यक्रम तो हम लोग दिन भर बना के करते ही रहे हैं इतने लंबे समय से। जी सर, खाना खा के, दौड़ के, फिल्म देख के, नहा के, लोगों से बातें करके, ये सब बाहरी सोर्सेस से सुख को ढूंढने का प्रयास तो करते ही रहे हैं। कुछ दिन अपने भीतर भी कोई सुख का स्रोत है, उस स्रोत से भी सुखी हुआ जा सकता है। आपने उसका थोड़ा प्रयास किया है और आप देख पा रही हैं कि बाहरी स्रोतों से भी सुख ढूंढने का प्रयास एक समय तक आपने किया है और भीतर भी कुछ सुख के स्रोत को ढूंढने का प्रयास किया और आप देख पा रही हैं कि उससे आप सुखी हो पा रहे हैं। तो इसको मैं एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखता हूँ, क्योंकि ये जो बाहर के सोर्सेज पर प्रयास करने के लिए जो हम विवश हैं उसका एक मुख्य कारण यही है कि भीतर के सोर्स को हम एक तरह से देख नहीं पाए हैं, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं, उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, इसलिए उस सोर्स के बारे में बहुत अवेयर ही नहीं है, या फिर है भी तो बहुत लॉजिकली अवेयर है, एक्सपीरियंसली अवेयर नहीं है। तो कम से कम एक सीढ़ी एक बाधा पार। अब दूसरा जो आपका प्रश्न है जो आपने रेज किया है उस पर बहुत एक छोटी सी बात रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, डिटेल चर्चा तो उस पर आगे करेंगे। जी सर, ये जो स्वभाव है ना, उसको अगर उससे जो सुख है वो डेफिनेट है, उसमें कंप्लीटनेस है, उसमें कंटिन्यूटी है, ये जो बात है अगर देखने जाएंगे तो हमारे जितने भी विचार हैं, जो भी विचार चलते हैं, जब वो विचार हार्मोनियस चलते हैं तो आप सुखी महसूस करते हैं,
जो भी आपकी कल्पनाशीलता है, इच्छा विचार आशा है, जब उसमें डिसहार्मनी होती है तो आप दुखी महसूस करते हैं। अब प्रश्न ये है कि आपकी ये जो कल्पनाशीलता है, ये जो भाव है, जो विचार है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, कितना फैलता है? तो इसको देखेंगे तो आपके भाव, विचार, कल्पनाशीलता अपने बारे में चलता है, परिवार के बारे में चलता है, समाज के बारे में चलता है, इस नेचर और एग्जिस्टेंस के बारे में चलता है कि इन सभी जगहों पर मुझे क्या भागीदारी सहज रूप से स्वीकार है। जी तो ये सर, जो रेंज है अपने से लेके तो अस्तित्व तक का, इन सभी जगहों पर मुझे कौन सी भागीदारी सहज रूप से स्वीकार है, यही मेरा स्वभाव है। इसको ठीक से अध्ययन करने जाते हैं तो 30 तरह से उसको 30 भाग में हम उसको चिन्हित कर पाते हैं कि विश्वास है, सम्मान है, स्नेह है, ममता है, वात्सल्य है, श्रद्धा है। ऐसे 30 भावों के रूप में, 30 भागीदारी के रूप में हम उसको पहचान पाते हैं। तो इसलिए उसमें कंप्लीटनेस दिखती है कि इतने से लेकर इतने तक के भावों को अपने भीतर समझ कर सुनिश्चित करना है ना। और रेंज को भी देखें तो अपने से लेके परिवार, समाज, प्रकृति, अस्तित्व तक को समझना है ना। तो उसका एक डेफिनेट रेंज दिखता है, एक निश्चितता भी दिखती है। और जब हम समझ लेते हैं और उसके आधार पर जो हमें सुख होता है, उन मुद्दों पर फिर हम वापस कंफ्यूज नहीं होते और वो सुख हमारा बना रहता है ना। तो उस रूप में उस मुद्दे पर सुख की एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। लेकिन जिन मुद्दों को अभी नहीं समझा है, नहीं सुनिश्चित किया है, वो जब भी हमारे विचार के रेंज में आते हैं, हम उस पर विचार चलाते हैं, वहां हम उलझते हैं, वहां हम डिसहार्मनी में जाते हैं, वहां हम थोड़े परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वापस हमें उस क्षेत्र को फिर से समझकर अपने में सुनिश्चित करना है। इस रूप में दीदी उसका स्वयं से लेकर एग्जिस्टेंस तक का रेंज भी डेफिनेट है, 30 भाव के रूप में भी वो डेफिनेट है। और जब भी मैं किसी एक चीज को समझ लेता हूँ तो वो क्लियरिटी मेरे में बनी रही है, बनी ही रहती है, इसलिए उस मुद्दे से पे मैं वापस दुखी नहीं होता। इस रूप में उसकी कंटिन्यूटी भी है। अगर सारे जुड़े मुद्दों को समझकर क्लियरली अपने में भाव सुनिश्चित कर सकता हूँ तो मेरे हैप्पीनेस की भी कंटिन्यूटी हो सकती है टाइम के जीवन स्वामी। सर, इसमें जो एक निरंतरता बनती है ना, जब उस चीज का भी अनुभव होता है ना, तो उसमें और खुशी, सुख मिलता है। तो ये जो सुख है ना, वो शायद हम इतना एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। तो वो एक निरंतरता है जो बन रही है ना, धीरे धीरे गति चल रही है, वो बहुत, उसमें बहुत आनंद है। भी कहीं हमें, हमारी किसी के साथ कंट्राडिक्शन नहीं है, और संबंधों को भी हम समझ पा रहे हैं सही समझ के साथ, और थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी जो यहाँ पर मिल रहा है ना, उस ज्ञान से भी इस चीज का बोध जो बड़ा है, वो सब UHV कंटेंट से रिलेटेड जो हम लोगों को मिला है, उसके लिए तो शायद हमारे पास, मेरे पास तो शब्द नहीं है कि इतनी, जो मतलब कि हम इतनी उम्र गुजार आए उसके बाद, चलो देर आए दुरुस्त आए, पर बहुत अच्छा लगा UHV में। ये मेरा सर शायद चौथा बैच है, 7th बैच से मैं इसमें जुड़ी थी, और चौथे बैच में जो मेरी गति बनी है वो बहुत प्रशंसनीय सर। सब एक श्रेय आपको ही जाता है सर, सब सारी UHV टीम बात तो जी। ये कि हम लोग जो भी PPT के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, ये ज्ञान नहीं है, ये सूचना है। ओके आप उस ओके सर सूचना को रिसीव करके अपने में सेल्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जी अपने जी सर भीतर जो सहज स्वीकार भाव हैं ही पहले से, इस सूचनाओं को एक्सप्लोर करते हुए उसको अपने भीतर देख ले रहे हैं और देखकर उसको अपने में सुनिश्चित कर ले रहे हैं, वो ज्ञान है। इसलिए जी सर ज्ञान में बाकी लोग तो सहयोगी हैं, लेकिन मुख्य एफर्ट आपका है। अगर वो एक्सप्लोरेशन ना हो, अपने भीतर जांच परख के देखे ना सहज स्वीकार भावों को और अपने में सुनिश्चित ना करें, तो मात्र ये चर्चा आपके को है ना, स्वभाव तक, जो स्वभाव का जो सुख का स्रोत है उस तक पहुंचाने में मात्र एक सीढ़ी है, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं करता। आपका जो प्रयास है वही ज्ञान तक जाने में सुनिश्चित करता है। तो उस रूप में हम सब लोग सहयोगी तो हैं, लेकिन मुख्य एफर्ट आपका है जी रखवाली। धन्यवाद धन्यवाद। आपके इस बारीक ऑब्जर्वेशन के लिए। मैं कल की जो फर्स्ट डे था उसमें
उससे बहुत मुतासिर हूँ। जो भी आप लोगों के साथ मैंने ऑब्जर्वेशंस नोट की हैं, ये मेरी तीसरी एक्सपीरियंस है ह्यूमन वैल्यूज के साथ या प्रोफेशनल एथिक्स के साथ। पहली बार मैं ऑनलाइन जुड़ा था कॉलेज के थ्रू, दूसरी बार मैं फेस टू फेस वर्कशॉप जो है उसको ज्वाइन किया। मैं अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अमृतसर पंजाब से संबंध रखता हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है और पिछले 23 साल से मैं उस कॉलेज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं सर अपनी बात ये रखना चाहता हूँ कि फिलोसफी दर्शन शास्त्र जो विषय है उसके अंदर एक टर्म यूज होती है समम बोनम, और उसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है अटेनमेंट ऑफ द हाईएस्ट ट्रूथ इन लाइफ। अब ये हाईएस्ट ट्रूथ इन लाइफ जो है उसकी जो अटेनमेंट है उसका जो इंटरप्रिटेशन है अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं उस पर्सपेक्टिव को अपने इस पर्सपेक्टिव के साथ जोड़ना चाहता हूँ कि मेरे को लगता है कि अगर हाईएस्ट अटेनमेंट ऑफ द ट्रूथ लाइफ में अगर कोई है तो वो यही है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस, सेल्फ को समझना, अपने आप को एक्सप्लोर करना और ये फैक्टर्स जो है उनको अच्छी तरह से समझ पाना कि क्या वाकई में ही खुशी जो है एक अंदरूनी फैक्टर है हमें अंदर से मिलती है या फिर बाहरी कारण जो है उनके साथ हमें प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है, आप लोगों के साथ जो चर्चा हुई, जो इनपुट्स आए, जो ऑब्जर्वेशंस आई, और मैंने सुबह आज इंग्लिश का सेशन भी लगाया था, ये आज का ही सेकंड सेशन है कॉन्टिन्यूड मेरा, सुबह 5:30 बजे से ही मैं जुड़ा हूँ, ऑब्जर्वेशंस नोट भी कर रहा हूँ मैं सारी। तो मैं इस बात से पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ कि हमने अपनी लाइफ का बहुत समय गुजार लिया और हमें ये समझ ही नहीं आ सका कि सुख की अनुभूति वास्तविकता में किस चीज से होती है, अंदर से या बाहर से। और जैसे जैसे हम आपके साथ, जैसे जैसे इस विषय के साथ, जैसे जैसे अपने भाई बहनों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इस बात का जो डाउट है वो क्लियर होता जा रहा है कि खुशी एक अंदरूनी स्वाभाविक गुण है जिसे हमें पहचानने की जरूरत, और अगर हम इसके ऊपर काम करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने लिए तो हार्मनी क्रिएट करते ही हैं, अपने समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर और अपना जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी एक हार्मोनियस रिलेशन जो है वो डेवलप करते हैं। और जन्म तो हमें कुदरत ने दे दिया है, लेकिन जन्म जो है उसको सार्थक करने का जो काम है वो हमारा ही है, और हम अगर इसको समझ लेते हैं तो मेरे को लगता है सिर्फ अपना ही जीवन सार्थक नहीं होगा बल्कि पूरे का पूरा मुआशरा जो है, पूरे का पूरा जो एनवायरनमेंट है, पूरे का पूरा जो संसार है, पूरा का पूरा जो विधि विधान है, वो सारे का सारा ही जो है वो खुशनुमा हो जाएगा और हार्मोनियस एक एटमॉस्फियर जो है उसके अंदर चलेगा। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जो भी एजुकेशनिस्ट्स हैं, जो भी एजुकेशन पॉलिसीज बनती हैं, उन तक मेरी ये आवाज जरूर पहुंचनी चाहिए कि हम अगर एजुकेशन का प्रसार करना चाहते हैं, अगर इंसान को इंसान बनाना चाहते हैं, अगर इंसान के अंदर उसका जो उसके अंदर चलने वाले द्वेष हैं, उनके अंदर चलने वाला जो कौतूहल है, जो उनके अंदर चलने वाली डिस्टरबेंसेस हैं और उसके अंदर जो चलने वाली इंस्टेबिलिटी है, इसको अगर हम सही करना चाहते हैं, इसके अंदर कोई सही बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस विषय जो है इसको हर एक स्टेप के ऊपर इसको प्रसारित किया जाना चाहिए, सभी पढ़ाने वालों को, सभी पढ़ने वालों को और सभी पढ़ने ना पढ़ाने वालों के साथ दूसरे लोगों को भी हमारा एक दायित्व बनता है कि हम इन सारी चीजों के साथ हम सब एक तरीके से एक ऐसा नेटवर्क बन जाए, एक जुड़ाव ऐसा बन जाए कि हम सब लोग इसकी अनुभूति कर सकें और एक सुख जो है उसका अनुभव कर सकें जो वास्तविकता में सुख की डेफिनेशन रखता है। मेरे को लगता है ये सुख की डेफिनेशन समझ आते आते ही इंसान का बहुत सा समय जो है जीवन का चला जाता है, तो जितनी जल्दी शुरू हो, जितनी ज्यादा शिद्दत के साथ हम इस चीज से जुड़े उतना ही हमारे लिए अच्छा है, उतना ही ये प्रभावशाली है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है सर, पिछले समय से 2021 या 22 से मैं इस सब्जेक्ट के संपर्क में आया था सुनने के साथ ही, तो अब मेरा मन हुआ कि इस 4 महीने की जो वर्कशॉप है उसको मैं
सुनूं भी, उसकी ऑब्जर्वेशंस नोट भी करूं और अपने भाई बहनों के साथ इसको शेयर भी करूं। तो इन वर्ड्स के साथ मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रगुजार हूं आप सब लोगों का जो इतना बड़ा ये सिलसिला जो है इंसान को एजुकेट करने के लिए, हम लोगों को इस चीज को समझाने के लिए डिवोट कर। आपके पूरी ऑब्जर्वेशन और शेयरिंग में बस एक बात मैं थोड़ा कनेक्ट करूंगा सिर्फ, ये जो हाईएस्ट अटेनमेंट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं जो समय के साथ बदलता नहीं है, स्थान के साथ बदलता नहीं है, व्यक्ति के साथ बदलता नहीं है, हर देश काल में एक जैसा बना रहता है। तो अगर इस प्रभाव को देखने जाए तो ये देश काल व्यक्ति के साथ बदलता रहता है, इससे मिलने वाला सुख भी बदलता रहता है, कभी उसी चीज से सुख मिलेगा और कभी उसी चीज से दुख मिलने लगेगा। तो आप देखेंगे तो रसगुल्ला खाया, पहला रसगुल्ला खाया तो सुख मिला, 5 रसगुल्ले लगातार खा लिए तो 5वें में अब वो सुख नहीं मिलता है जो पहले में मिल रहा था, और कोई जबरदस्ती 5 और खिलाने लगे तो 10वें में तो सुख मिलना तो दुख मिलने लगता है, 10वें 12वें में तक पहुंचते पहुंचते। आदमी वही है, रसगुल्ला वही है, वही रसगुल्ला सुख दे रहा था, अब वही आदमी उसी दुकान का सेम टेस्ट का वही रसगुल्ला खा रहा है, अब वही रसगुल्ला दुख दे रहा है। इसलिए वो जो सुख है उस स्रोत से मिलने वाला वो निरंतर नहीं है, वो देश काल परिस्थिति में बदल रहा है, लेकिन ये जो स्वभाव है, स्वभाव सुख का स्रोत है, ये हर देश हर काल हर व्यक्ति के लिए एक जैसा बना रहता है, इसकी निरंतरता है, इसलिए हाईएस्ट अटेनमेंट की सीढ़ी है, इसको आप देख पा रहे हैं और ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ये काफी मतलब एक तरह से महत्वपूर्ण बात है, हम इसको और ठीक से अपने भीतर एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि आज दिन भर हमने कितने प्रयास प्रभाव से सुखी होने के लिए किए और कितने प्रभाव कितने प्रयास हमने अपने अंदर सहज स्वीकृत भावों को देखकर सुनिश्चित करके उसको सुख के स्रोत के रूप में पहचानने के लिए किए। तो धीरे धीरे ये जो हमारा एफर्ट है जो हमको सही लग रहा है उस दिशा में और होने लगेगा, तो धीरे धीरे एक और बड़ा स्रोत हमको स्थायी और कंटिन्यूअस स्रोत सुख का अपने भीतर दिखेगा, और जितनी बार हम इसको कर पाएंगे उतनी बार प्रभाव से सुखी होने के लिए जो हमारी मजबूरी थी, जो हमारा एफर्ट मजबूरी में हो रहा था, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, मूल्यांकित होने लगेगा और हम उससे अप्रभावी रह पाएंगे और अपने स्वभाव को सहज स्वीकृत भाव को सुख के स्रोत के रूप में पहचान कर उसके साथ सुखी होते हुए स्वयं में, परिवार में, समाज में, प्रकृति अस्तित्व में एक उचित भागीदारी भी कर पाए। तो बढ़िया है, एक प्रयास शुरू हुआ है, मेरी अपेक्षा है कि वो प्रयास समय के साथ और गहरा होता जाए और हम सभी सुख के उस स्रोत को के और नजदीक हर दिन हर प्रतिदिन पहुंच पाए। आपका आपका नाम पहली बार हमने गुरुपाल जी की शेयरिंग में, हरमीत जी उन्होंने बताया था कि भानु भैया, भानु सर हमारे सर है, ऐसे पहले उनसे आपकी आपका नाम उन्हीं के मुंह से सुना था। और चारों प्रश्न जो आपने आज किए हैप्पीनेस, इननेट हैप्पीनेस के बारे में, उसके बारे में मैं एक्सप्लोर करने का प्रयास करूँगा। भैया आपने जो सामाजिक प्राणी और उसके बारे में कहा था ना, वो एक बार दोहरा देंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने तो बहुत सिंपल बात ये किया था कि पूरी प्रकृति को देखें तो उसमें मानव भी है, पशु भी है, पेड़ पौधे भी हैं और मिट्टी पानी हवा भी है, सूरज चांद तारे भी हैं, इन सबको मिलाकर प्रकृति का, तो मानव भी प्राकृतिक प्राणी ही है, प्राकृतिक भाग ही है उसका। अब जहां तक जिसको हम सामाजिक कह रहे हैं तो इसमें जो मानव का समूह है उसको सामाजिक अभी कह रहे हैं, लेकिन उसको भी देखने जाएंगे तो मानव में जो भाव है सहज स्वीकृत भाव है, जब हम उसको पहचानने जाते हैं तो दिखता है वो सभी भाव सभी मानवों को एक ही रूप में सहज स्वीकार है, तो सम्मान सभी को सहज स्वीकार है, विश्वास सभी को सहज स्वीकार है, चाहे वो किसी देश का हो, किसी उम्र का हो, किसी भी जगह मतलब किसी भी जगह का हो, तो हर व्यक्ति को ही ये जो सहज स्वीकार भाव है वो ही स्वीकार है। तो जब हम उसको आधार बनाकर सामाजिक व्यवस्था या कार्यक्रम डिजाइन करते हैं
तो उससे जो समाज की संरचना बनती है वो ज्यादा अभय वाली होती है, न्याय सुनिश्चित करने वाली होती है और अधिक व्यवस्थित होती है। तो जब हम सहज स्वीकृत भाव को आधार बनाकर सामाजिक संरचनाओं को देखने जाते हैं तो वहां पर सामाजिक और प्राकृतिक बहुत अलग अलग नहीं होते, वो एक ही हो जाते हैं। लेकिन जब कभी भी हम इन सहज स्वीकृत भावों को ध्यान दिए बगैर, उनको आधार बनाए बगैर, किसी मान्यताओं को आधार बनाकर सामाजिक परिस्थिति या सामाजिक स्थिति का डिजाइन करते हैं, संरचनाओं को डिजाइन करते हैं, तो वो सबको एक जैसे सहज स्वीकार होते नहीं है। तो इसलिए बहुत सारा गतिरोध, बहुत सारा विरोध, बहुत सारा हलचल, फिर आंदोलन, ये सब चलता ही रहता है। उसमें आदमी भीतर भी दुखी होता रहता है और उसके व्यवहार बस समाज में भी एक भय का वातावरण बनता जाता है। और धीरे धीरे समाज में जिसको समाज कह रहे हैं वो एक तरह से भीड़ जैसा दिखने लगती है और धीरे धीरे बैटल फील्ड जैसा, युद्ध के मैदान जैसा भी दिखने लगती है। जगह जगह अलग अलग मुद्दों पर लेकर संघर्ष होने लगता है। इतनी बात मैंने कही थी प्रोफेसर सॉरी KV सुब्बा राव से। हाँ जी भैया, जी भैया, अभी समझ बननी है। आपने एकदम सही कहा, जो अभी स्थिति जो है वही वो वही है, कॉन्ट्राडिक्शन का बोरा। जी भैया, जी, धन्यवाद भैया। आपका ये जो स्वभाव और प्रभाव दो स्रोत हैं, आप किस स्रोत से कितने बार सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ इसका ऑब्जर्वेशन आपने किया, अगर किया हो तो उस पर भी अगर एक दो लाइन कहेंगे तो नए पार्टिसिपेंट्स के लिए वो अच्छा रहेगा। कई बार बाहर का प्रभाव ही रहता है। स्वभाव में जो सेल्फ को जो जो कल्पनाशीलता को देखने का जो होता है वो होता है जी भैया, लेकिन बहुत कंपेरेटिव कम है ऐसा। बढ़िया, इसको और बढ़ाया जाए और समय जी जी समय जी पर और फोकस में आए तो और जी गहरी गति हमारी भी बनेगी और हमारे माध्यम से और की भी। शुभकामना भैया आ, आपको। आ, आ, आज से अलग समय निकालूंगा और जर्नल भी लिखने का लिखूंगा। जी बिल्कुल जी जी धन्यवाद बिल्कुल बिल्कुल मेरे में एक प्रश्न आता है कि खुशी और सुख ये दोनों में क्या अंतर है? वो अंतर दोनों अर्थ में, मार्मिक अर्थ और शाब्दिक अर्थ क्या है, जी, ये थोड़ा जानना तो चाहता देखेंगे हूँ। तो जब कभी भी हम लोग किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक होता है शब्द और एक होती है वास्तविकता। एक वर्ड है और दूसरा रियलिटी है। तो मैंने हाँ पानी जी, शब्द का प्रयोग किया, मैंने क उस पर आ और न और उस पर बड़ी ई, पानी, ये शब्द है। यस, लेकिन मेरे उस शब्द बोलते ही आपकी कल्पनाशीलता में चित्र उभरता है, कोई इस कोई वास्तविकता ध्यान में आती है, वो किस अर्थ में आपके लिए उपयोगी है वो ध्यान में आता है। वो सब ध्यान में आ गया तो मेरे शब्द के माध्यम से आप उस रियलिटी तक पहुंच गए। जी। नहीं ध्यान में आया तो आप मेरे से पूछते हैं भाई पानी क्या होता है, तो मैं कहता हूँ वो जो प्यास बुझाने के काम आता है, वो जिसमें कोई कलर नहीं होता, वो जिसको जिस बर्तन में रखे उसी रूप में ढल जाता है, वो जो बहता रहता है ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। इस तरह से जब मैं बताना शुरू करता हूँ शब्द के साथ कुछ वास्तविक उसकी उसके अर्थ को जोड़कर, तो एक पॉइंट पर वो वास्तविकता आपको ध्यान में आ जाती है। और जैसे ही वो वास्तविकता आपको ध्यान में आती है आप मेरे को उसके कई और अर्थ बता देते हैं जो मैंने नहीं कहा है। तो आप बताना शुरू करते हैं कि उसको पीने से प्यास भी बुझती है, वो नहाने के काम भी आता है ना, कपड़े धोने के काम भी आता है, उसमें कोई भी कलर डालें उस रंग का हो जाता है। तो उसके चार अर्थ और आप नए बता देते हैं, तो मेरे को भी जी आपके बताए अर्थ को सुनकर ये क्लैरिटी हो जाती है कि मैं जिस वास्तविकता के लिए उस शब्द का प्रयोग कर रहा था, आप उस शब्द और उसके बताए गए विश्लेषण और अर्थों के माध्यम से आप उस वास्तविकता तक पहुंच चुके हैं। तो शब्द, अर्थ और वास्तविकता की कनेक्टिविटी के माध्यम से हम और आप शब्द से ऊपर उठ के अर्थ और अर्थ से ऊपर उठ के वास्तविकता के कॉमन धरातल पे आके खड़े हो जाते हैं। अब हम उस वास्तविकता को ध्यान में रख के बात करते हैं तो दिखता है कि वास्तविकता तो कॉमन है, वो एक ही जैसी है, वो बदलती नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयोग होने वाले शब्द बदलते रहते हैं। कोई पानी बोल रहा है, कोई नीर बोल रहा है, कोई जल बोल रहा है, कोई वाटर बोल रहा है, तो शब्द बदलते रहते हैं, वास्तविकता तो वही है ना। उसके अर्थ जी भी 50 हो सकते हैं, तो कोई किसी अर्थ के संदर्भ में उस शब्द का प्रयोग कर रहा है, कोई दूसरे अर्थ के संदर्भ में उस शब्द का प्रयोग कर रहा है।
वहां भी एक लेवल की वैरायटी हो सकती है, लेकिन जब हम शब्द और उसके सहारे अर्थ और उसके सहारे वास्तविकता तक पहुंच गए तो वो निश्चित जगह है। ऐसे ही जो आपने शब्द प्रयोग किया खुशी और सुख, हाँ जी उसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो एक वास्तविकता है जब हम और आप हारमनी में होते हैं, हमारे विचारों में हारमनी होती है, हमारे भाव विचार में हारमनी होती है। एक होता है जब एक्साइटमेंट है, आप नई गाड़ी खरीद के लाए, चार लोग तारीफ करने लग गए, तो वो एक स्थिति है। एक्साइटमेंट को देखने जाएंगे आप तो वो समय के साथ बहुत तेजी से हाइट लेता है और बहुत तेजी से गिर जाता है। तो जैसे आजकल क्रिकेट आ रहा है, कोई गेंदबाज बल्लेबाज को आउट करता है तो बड़ी तेज तेज उछलता है, इसको हार्मनी यस है कि एक्साइटमेंट है? वो तो उसको हार्मनी एक्साइटमेंट है, है या एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट है। है। अभी जो सुख और हाँ अभी जो सुख और खुशी शब्द है, सामान्यतः दोनों को ही लोग कई बार हार्मनी के लिए भी प्रयोग करते हैं, दोनों को ही कई बार लोग एक्साइटमेंट के लिए भी प्रयोग करते हैं, है ना? कभी कोई लोग सुख को हार्मनी के लिए प्रयोग करते हैं, खुशी को एक्साइटमेंट के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि शब्द मुद्दा नहीं, रियलिटी मुद्दा है। हार्मनी एक रियलिटी है, अब उसके लिए चाहे आप खुशी शब्द का प्रयोग करें या सुख शब्द का प्रयोग करें या हैप्पीनेस शब्द का प्रयोग करें या आनंद शब्द का प्रयोग करें, जो भी प्रयोग करें, हमको आपको उसकी रियलिटी की क्या है वो अगर क्लियर हो जाती है तो शब्दों का झंझट फिर खत्म। जी तो शब्दों का झंझट सिर्फ तभी तक है जब तक मैं और आप उस कॉमन रियलिटी तक नहीं पहुंचे। तो जब भी शब्दों का झंझट आए, हम उन शब्दों के जो जुड़े हुए अर्थ हैं उस पर चर्चा कर लें और उस चर्चा को तब तक जारी रखें जब तक हम कॉमन रियलिटी तक नहीं पहुंच जा रहे हैं, तो कभी भी शब्द हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी। इतना बात मैं कहना चाहता हूँ, इस पर आपका जो टेक है वो मैं सुनना चाहूंगा। हाँ जी, जो हारमोनी मतलब मैं समझता हूँ कि जो हम हैं और जो होना चाहते हैं, इसमें दोनों में जब तालमेल आ जाता है तब हम हारमोनी में रह पाते हैं। तो इस संदर्भ में सुख और खुशी का कैसे देखेंगे? तो ठीक से देखेंगे तो जो भाव आपको सहज रूप से स्वीकार है, वैसे ही आपके भाव विचार हो गए तो आप अपने में हार्मनी में हैं। आपके अंदर सहज स्वीकार भाव कुछ और है और आपके भाव विचार चल कुछ और रहे हैं, तो दोनों में एक अंतर द्वंद है, तो वही जी जी डिसहार्मनी है। तो आप जी डिसहार्मनी जी से बेचैन है, परेशान है, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, टेंशन में है, तो आप कहते हैं छोड़ो जी जी झंझट हटाओ चलो बाहर घूम के आते हैं। तो घूमने से आप जब घूम के कहीं से आते हैं तो थोड़ा सा टेम्परेरी रिलीफ सा मिलता है आपको। आप कहते हैं चलो किसी दुकान से कुछ मिठाई खा के आते हैं, कुछ डोसा खा के आते हैं, कुछ और करके आते हैं, कुछ टीवी देख लेते हैं, उससे आपके भीतर की बेचैनी में एक टेम्परेरी रिलीफ जी सा मिलता है। तो जी कई बार दादा आप उसको खुशी शब्द के रूप में या किसी और शब्द से उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, बट मूल मुद्दा तो यह है कि जो अंदर की डिसहार्मनी है उसमें कुछ टेम्पररी रिलीफ सा पाने के लिए आप कुछ वर्गे प्रभाव का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जी उपाय क्या है? उपाय तो यह है कि मुझे सहज स्वीकृत भाव अपने में दिख जाए, कौन से भाव विचार जी इस समय चल रहे हैं वो दिख जाए, और जो भाव विचार मेरे अंदर चल रहे हैं अगर वो सहज स्वीकृत भाव के अनुरूप नहीं है तो मैं उसको वैसा कर लूं, तो मैं हार्मनी जी में आ सकता हूँ, सुख की निरंतरता जी के काम कर सकता। तो हम लोगों ने अभी तक जो चर्चा किया कि सुख स्वभाव है या प्रभाव, आप सब लोग इसको एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, आप लोगों की शेयरिंग और चर्चा से ये बात रिफ्लेक्ट भी हो रही है। इस संदर्भ में कल हमने एक अभ्यास के बारे में कहा था और 5 मिनट उस अभ्यास को किए भी थे कि हम कुछ देर अपने साथ बैठ सकते हैं क्या। अपने साथ बैठने का आशय ये है कि उस समय उतने समय हम ना तो अखबार पढ़ेंगे, ना मोबाइल देखेंगे, ना किसी से बात करेंगे, ना किसी बाहरी ऑब्जेक्ट की तरफ देखेंगे, ना कुछ खाएंगे, कोई भी एक्सटर्नल इनपुट नहीं लेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने पर ध्यान देंगे, हमें क्या चल रहा है, जो चल रहा है उसमें मैं आराम में हूँ या परेशान हूँ। इसको ऑब्जर्व करने का एक छोटा सा अभ्यास 2-3 मिनट का हम लोगों ने कल यहाँ किया था।
और ये भी मैंने कहा था कि आप इसको घर में 1 घंटा समय दें तो अच्छा रहेगा। 1 घंटा शुरुआती समय में बिना कुछ किए अगर आपके साथ बैठ पाना संभव नहीं हो पा रहा है तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में कर लें। पहले 10 मिनट आप बाहर किसी गतिविधि में इन्वॉल्व किए हुए बिना सिर्फ अपने साथ बैठे, जिसमें आप ना तो कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पढ़ रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं, ना किसी बाहरी एलिमेंट के साथ अटैच्ड हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर ध्यान दे रहे हैं। जब 10 मिनट आप इसको कर पाते हैं तो जो भी आपका ऑब्जर्वेशन रहता है कि आप 10 मिनट कर पाए, उसमें आराम में रहे, उसमें बेचैन रहे, कभी आराम में रहे कभी बेचैन रहे, कोई मुद्दा विशेष आपको तंग कर रहा है, कोई मुद्दा विशेष बार बार आ रहा है, ये जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है आप अपने नोटबुक में उसको जरूर लिख लें। फिर उसके बाद फिर 20 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, फिर उसको ऑब्जर्वेशन को लिखे, तो हम अपने साथ थोड़ा समय बिताने का अभ्यस्त हो पाएंगे। ये अभ्यास करने को कल कहा था, अगर हम में से कोई साथी उस अभ्यास को किए हैं तो वो अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। जी, मैं भी मैंने ये बैच 9th वाला जो पिछला मॉर्निंग सेशन था वहां से स्टार्ट किया, ऑब्जर्व मतलब ज्वाइन किया था, और अभी यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। और पहले भी ऐसा होता था, पिछले बैच में भी मैंने एक्सरसाइज करने की कोशिश की थी असाइनमेंट, और इस बैच में ज़्यादा ध्यान से करने की कोशिश कर रही हूँ, और कल भी मैंने किया। तो मेरा ये जो असाइनमेंट था ये सिर्फ आधा घंटे के लिए था, और शुरू में तो मैं कामली बैठी थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया, आई थिंक 5 से 10 मिनट के बाद, तो इतने ज़्यादा विचार, इतने ज़्यादा थॉट्स दिमाग में आने लगे, और मैंने अपने आप को बहुत रोका। और आधा घंटे तक के बाद तो ऐसा लग रहा था कि माई हेड विल बर्स्ट, इट वॉज बम्बार्डेड विथ थॉट्स। तो और मैं उठ गई, फिर उठ गई और उठकर फिर कुछ काम करने लगी, और मतलब तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। और उसमें मैंने लिखा भी है, बहुत बहुत ज्यादा विचारों से मैं भरी हुई थी, और अलग अलग तरह के, और वो कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ मैं पहुंच जा रही थी विचारों में। तो ये मतलब बस कल इतना ही कर पाई मैं, और मैं जी घबरा बिल्कुल कर उठ गई क्योंकि मैं पता नहीं फिर क्या क्या सोच रही थी। जी, तो आप अपने पे ध्यान दे पाए। जी आप पूरा कर लें प्लीज। तो हाँ, मैं देह अपने पे ध्यान मतलब मुझे पता नहीं है, मैं उन विचारों में उलझ के रह गई और बस वैसे ही बैठी रही। तो स्टार्टिंग में तो मुझे अच्छा लगा बैठना, 15 मिनट भी समझ लीजिए मैं आराम में थी, लेकिन उसके बाद मैं बहुत ज्यादा और फिर वो विचार जब बढ़ते चले गए थॉट्स, तो मैं आराम में नहीं थी, और मैं फिर उठकर और फिर मैं अपना ध्यान मैंने कहीं और किया। तो बस यही मेरा ऑब्जर्वेशन है, इससे मैं क्या निष्कर्ष निकालूं और इनको थॉट्स को कैसे कंट्रोल करूं, ये दोनों चीजें ही पूछनी थी आपसे। जी, तो चूंकि अभी समय तो बिल्कुल हो चला है, इसलिए आपके इस प्रश्न पर हम लोग आगे डिटेल चर्चा करेंगे। बस सिर्फ इतना कह दूंगा कि ये अच्छी बात है कि हम अपने साथ बैठ पाए और अपने स्थिति को ऑब्जर्व कर पाए, और ये भी देख पाए कि हम काफी बेचैनी है, काफी डर है, ना बहुत सारे थॉट्स की बाढ़ आई हुई है, इतना ऑब्जर्वेशन हो पाया है। मैं ये और कहूंगा जी बाकी साथियों से भी और आपसे भी कि आज हम समय और निकालें और इस अभ्यास को आज और करें, और अगर घंटे भर बैठ पाए तो और अच्छा है, नहीं तो कम से कम जितने समय भी बैठ पाए 10 मिनट से अधिक उसको करें, और जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको, जो भी आप अपने में ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको जरूर लिखें, और कल हम लोग उस पर और डिटेल शेयरिंग करेंगे। और दीदी का जो ये प्रश्न है कि इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो उसी के लिए हम लोग ये 4 महीने का प्रयास कर रहे हैं। इस सुख का स्रोत है ना हमारे भीतर है, स्वभाव सुख का स्रोत है। इन सब मुद्दों पे कल चर्चा करेंगे, आज तो समय नहीं है कि वो प्रश्न ठीक से एड्रेस हो पाए, तो इतनी बात कहेंगे। जी बस जी 1 मिनट का समय और लेकर मैं इसको क्लोज करूंगा आज की चर्चा को। कल हम लोग प्रभाव वाला जो मुद्दा है, प्रभाव से जब हम सुखी होने का प्रयास करते हैं तो क्या क्या उसके तरीके हैं, उस पर कल बात करें।
और स्वभाव से जब जो हमारा सुख का स्रोत है उससे सुखी होने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या है और कैसे होगा? इसी में जो दीदी का जो प्रश्न था वो भी उत्तरित हो जाए। इतनी हलचल इसलिए है क्योंकि हम प्रभाव से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम स्वभाव को सुनिश्चित करने का प्रयास शुरू करके कर पाते हैं, तो धीरे धीरे उस भगदड़ से, उस बेचैनी से मुक्त भी हो पाते हैं। तो ये अभ्यास भी उसी संदर्भ में है कि हम लोग उस भगदड़ से अपना धीरे धीरे व्यवस्थित होने की तरफ पहुंच पाए। तो इस मुद्दे पर कल चर्चा करेंगे आज।